हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, जो कि साबो के मदद से आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। मतलब इस पर कोई लाइट वगैरह के यूज करने की जरूरत नहीं, आर्डिनो से आप साबो को कंट्रोल करेंगे और ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले काम करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 0 से 9 तक ये काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप इसमें से 2, 3, 4 लगा के आप आसानी से वॉच बना सकते हैं, कोई भी आप प्रयोग इसमें से कर सकते हैं। तो ये जो सार्वो है, इस पर हमने 7 सार्वो लगाया है, जो कि एक डिस्प्ले होगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से हम लोग किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। द स्पॉन्सर ऑफ वीडियो जेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बर फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी के लिए जेएलसी पीसीबी। तो सार्वो से हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो घर पे बनाएंगे, इसके लिए हम लोगों को एक प्लेट की जरूरत होगा, जो कि हम लोग ब्लैक कलर करेंगे। और ये जो आप एलईडी के बदले हम लोग जो सार्वो पे जो प्लेट लगाया है, इसको आप इसका ऑपोजिट कलर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाई देने पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये लाइट नहीं है, इसलिए इसको ऑपोजिट कलर हम लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस पर व्हाइट कलर किया है और ये ब्लैक कलर किया है। तो मैंने इसको जो कि 3D प्रिंटर से बनाया है, आप चाहे तो आप फ्लाईवुड से भी आप बना सकते हैं घर पे। इसको एक फ्लाईवुड देना पड़ेगा और इसको और कलर का फ्लाईवुड। और पीछे अगर देखेंगे सभी जो कि प्लेट है, सभी प्लेट का एक एक अलग अलग सार्वो इसमें लगाया है मैंने। तो यहाँ पे एक, तो इस तरह 7 सार्वो हमने लगाया है। और 7 सार्वो पे हमने एक सार्वो को इस तरह सीधा करके लगाया है। इसका प्रोग्रामिंग भी हमने थोड़ा अलग किया है, क्योंकि सभी एक ही प्रकार का है और ये अलग है, इसलिए मैंने अलग प्रकार का इसका जो कि प्रोग्रामिंग किया है। और इस पर मैं वैसे नहीं बिठा सकता, क्योंकि इस पर कोई जगह नहीं है। तो ठीक है, तो अभी देखिए, एक आर्डिनो की वजह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो एक पीसीबी पे हमने ये आर्डिनो फिट किया है और आर्डिनो का सभी कनेक्शन हमने इस पे दे दिया है। और आर्डिनो का प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी, कैसे आप 0 से 9 तक आप इस पे काउंटिंग कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग। तो अभी चलिए, इसको हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी आसानी से, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सार्वो का जो मैकेनिकल है वो हमने बना दिया है, अभी हम लोग सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट क्यों बनाएंगे, सर्किट पर सार्वो तो बहुत सारे सार्वो है, इस पे 7 सार्वो है, तो सभी सार्वो पे 5 वोल्ट इस पे दे सके, इसलिए इसको अलग से सर्किट बनाना होगा। क्योंकि आर्डिनो का जो 5 वोल्ट है वो सभी पे एक साथ नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग को अलग से एक सर्किट बनाना होगा, जिस पर अलग से वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे। करने के बाद इस पर सारे जो सार्वो है उस पर वोल्टेज जाएगा। तो चलिए, अभी सर्किट को हम लोग रेडी करते हैं। Thank you.
सर्किट कंप्लीट हो गया है। इस पर हमने जो कि एक आईसी लगाया है जो कि 7805 का आईसी है, क्योंकि ये आईसी 5 वोल्ट सप्लाई करेगा सभी सर्वो पे, ठीक है। और एक आर्डिनो लगाया है प्रोग्रामिंग के लिए। तो अभी इस आर्डिनो पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, करने के बाद ये सर्वो सारे सर्वो काम करेगा और 1 2 3 4 करके ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो अभी चलिए इस पर हम लोग अपलोड करते हैं वो प्रोग्रामिंग। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले बना सकते हैं, वो भी सर्वो की मदद से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।